कौन बोल रहे हैं? तेजस्वी यादव बोल रहा हूँ, आपसे बात करा दीजिए डीसी साहब से। हम बार बार कहते रहे नीतीश कुमार थक चुके हैं, इनसे बिहार जो है संभल नहीं रहा है। और ये पूरी तरीके से ये जो डबल इंजन की सरकार, भाजपा और जदयू की जो सरकार है, ये बिहार के रूप में अभिशाप के रूप में है। कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, ये कैसी सरकार है? हम लोग अभी बात कर रहे हैं, अभी एसपी से भी बात करते लगाई है। मैडम अभी हेलो, कौन बोल रहे हैं? आप तेजस्वी यादव बोल रहा हूँ, आपसे बात करा दीजिए डीसी साहब से। मैंने जल्दी कॉल बैक करवाइएगा, थोड़ा अर्जेंट इशू है। तो वहाँ भी हम लोग को पीटा जाता, पीटा जाता है, यहाँ भी पीटा जा सकता है, यहाँ भी हम लोग को पीटा जा सकता है। जी नमस्कार, बताइए। अरे ये शिक्षक वाले सब लोग आंदोलन कर रहे थे वहाँ गर्दनी बाग में, इन लोगों का कोई परमिशन ले नहीं रहा, इन लोगों को धरने के लिए कोई रिसीव नहीं कर रहा है। वहाँ तो राइट है ना इन लोगों को धरने के लिए? अच्छा, मेरे विभाग से नहीं कोई कोऑर्डिनेट कर रहा है? मैंने विभाग से नहीं, यहाँ तो आप लोगों के जो अधिकारी होते हैं इंटीमेट करना पड़ता है ना धरने के लिए, प्रदर्शन के लिए। आप क्या कहा जा रहा है कि नियम थोड़ा बदला होगा कि हर दिन का परमिशन मिलेगा, अनिश्चितकाल नहीं मिलेगा? अच्छा, तो हम चेक करा लेते हैं ये लोग कब का चला। नहीं नहीं नहीं, आप यहाँ सब अभ्यर्थी लाठीचार्ज हुआ होगा, आपको जानकारी में होगा ही। अभी भी लाठीचार्ज वहाँ चल ही रहा है, कल रात में भी लाठीचार्ज हुआ गर्दनी बाग स्टेडियम में, सब लोग था, खाने पीने का इन लोगों का जो सामान था उठा करके फेंक दिया गया। अभी सब लोग इको पार्क में, कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग इधर उधर हैं। तो इन लोगों का खाली यही है कि एक जगह ये लोग चाहते हैं बैठ करके, कम से कम जो इनका डेमोक्रेटिक राइट है वहाँ धरना दें। तो इसलिए हम आपको व्हाट्सअप करा देते हैं इनके एप्लीकेशन, आप अलाउ कीजिए, हम लोग तो यही खड़े हैं इको पार्क में। अच्छा, हम देख लेते हैं, भेजेंगे, हम देख लेते हैं। नहीं नहीं, कब तक बताइएगा? हम आपको हम भेज देते हैं। आप तेजस्वी यादव बोल रहे हैं डीएम साहब? हम लोग ना 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 ना, हम आपको व्हाट्सएप हम भिजवा देते हैं। नहीं नहीं ठीक, नहीं नहीं ना, हम लोग हैं इको पार्क में ही सब लोग, जल्दी नहीं तो ये लोग फिर इधर यहीं बैठना पड़ जाएगा हमको। है कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि अति शीघ्र, जल्द से जल्द, अविलंब जो है नियुक्ति पत्र इन सभी लोगों को मिलना चाहिए। लगभग 94,000 की संख्या है जो शिक्षकों की, जो कि नियुक्ति पत्र अब तक सरकार नहीं दे रही है। सरकार लगातार तानाशाह रवैया अपना रही है, मुख्यमंत्री के पास कोई जवाब नहीं है इसका, ना ही जवाब जो है शिक्षा मंत्री दे पा रहे हैं। हम यही जानना चाहते हैं, क्या लोकतंत्र में हमारा अधिकार नहीं है कि भाई शांतिपूर्ण ढंग से जो सरकार ने तय किया है जगह स्थल गर्दनी बाग में, ये वहाँ भी धरना नहीं दिया देना दे रहे इन लोग? भारी संख्या में आप देख सकते हैं लोग यहाँ इको पार्क आए, क्योंकि कोई रहने का ठिकाना नहीं, जाने का कोई ठिकाने नहीं। और ये सब लोग चाह रहे हैं कि कम से कम इनको जो है नियुक्ति पत्र तो मिलना ही चाहिए, नहीं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। और सरकार कहीं ना कहीं से हर एक बहाली में धांधली करती है, बिना आरसीपी टैक्स के कुछ नहीं होता। और लगातार ये सवाल हम लोग पूछ रहे हैं, और विधानसभा भी चलेगा, हम लोग जो है विधानसभा में भी अपने बातों को उठाने का काम करेंगे। लेकिन ये देखिए, इतने ठंड में महिलाएं हैं,
ना रुकने का कुछ। अगर इसी महिलाओं में से कहीं किसी के साथ अगर हादसा हो जाए, कुछ हो जाए, तो जिम्मेवारी कौन लेगा? कल इन पर लाठी चलाया गया, लाठी चला गया। आप सोचिए रात के ठंड के समय में अपराधी तो पकड़ा जाता नहीं है, बेचारे मासूम जो आंदोलनकारी लोग हैं, जो शिक्षक हैं, उन पे ये लाठियां चलाने का काम कर रहे हैं। सरकार चल रहा, हम बार बार कहते रहे नीतीश कुमार थक चुके हैं, इनसे बिहार जो है संभल नहीं रहा है। और ये पूरी तरीके से ये जो डबल इंजन की सरकार, भाजपा और जदयू की जो सरकार है, ये बिहार के रूप में अभिशाप के रूप में है। चाहे छात्र हो, नौजवान हो, शिक्षक हो, संविदा कर्मी हो, जीविका दी स्वयं सहायता समूह हो, किसान हो, मजदूर हो, सभी लोग इस मौजूदा सरकार से परेशान हैं, हाहट है। और आप देख लीजिए नीतीश जी को ना अपराधी बिहार में तांडव मचा रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। लोग बेरोजगारी का केंद्र बिहार बनता चला जा रहा है, जो पदे हैं कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, ये कैसी सरकार है? अरे देखिए ये सब छलावा है, ये आप भी जान रहे थे, हम भी जान रहे हैं, कोई समय सीमा उन लोगों ने उस समय भी नहीं बताया था। लेकिन आप अद्भुत है ना कि कोर्ट के आदेश के बाद भी इन लोगों को नियुक्ति पत्र क्यों नहीं दिया जा रहा? कौन सी लिस्ट तैयार की जा रही है? हम तो पूछना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी, आरसीपी टैक्स के थ्रू कौन सा लिस्ट तैयार हो रहा है, किन किन लोगों का लिस्ट तैयार हो रहा है? सिपाही बहाली, दरोगा बहाली में इतने बड़े पैमाने पर धांधली हुई, भ्रष्टाचार की बात है। वो लोग बेचारे आंदोलनकारी हो, चाहे दरोगा वाले हो या सिपाही वाले, उन पे भी लाठीचार्ज। जो जाए डॉक्टर नर्स उस पे लाठीचार्ज, शिक्षक जाए उस पे लाठीचार्ज, स्वयं सहायक जाए उस पे लाठीचार्ज, छात्र जाए, युवा जाए उस पे लाठीचार्ज। ये कैसी सरकार है? इस सरकार तो जनता के लिए होता है और ये तो जनता के खिलाफ खड़ी है। ये जो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है इसको छीनना चाहती है। अब इस ठंड में ठिठुर रहे हैं लोग, कई लोग ठंड से इस ओस गिर रहा है, ठंडा बढ़ रहा है, 4-5 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, लोगों के पास रहने के लिए खाने के लिए छत नहीं, वहाँ तो कम से कम स्थल था, इन लोगों ने चंदा लेकर के इंतजाम किया हुआ था रहने का। जी आपने अधिकारियों से बात की है, तमाम क्या? नहीं नहीं, क्या इसमें तो हम यही कहें कि भाई ये लोगों की जो मांग है कि अभी लोग जाएगा, इन लोगों को आंदोलन करना है, आंदोलन के लिए जगह तय है और ये इनका डेमोक्रेटिक राइट है।